इफ यू लुक एट द बैक नाउ तो आपको यहाँ से यॉर्क मिंस्टर का व्यू मिलेगा दूर में. वी विल बी गोइंग देयर वेरी सून. एंटर कर रहे हैं. रवीना जा रही है इधर और ये आप देख रहे हैं ये न्यूयॉर्क की बाउंड्री वॉल है. इस पे आप चल सकते हैं ऊपर. अभी हम थोड़ी देर में चलेंगे और आपको दिखाएंगे टू एज द ग्रेट वॉल ऑफ न्यूयॉर्क. ये है दूसरी साइड उस वॉल की. लोग इस पर चल भी रहे हैं. बेसिकली वॉर के टाइम पे ये प्रोडक्शन के लिए बनाई थी. सिमिलर कॉन्सेप्ट है एज टू द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना. चलो लैंडल ब्रिज से बेसिकली इस वॉक ये वॉक स्टार्ट होती है वॉल्स वाली. हम भी इस पे जाएंगे. अभी जाएं या बाद में वो भी डिसाइड करते हैं. यहाँ पे से रिवर साइड व्यू है. उधर में आएगा वो. हम वॉल्स के टूर पे जा रहे हैं एंड लेट्स एक्सप्लोर द सिटी ऑफ यॉर्क ऑन दिस वॉल्स. राइट राफ्स. सिटी वॉल्स को ये लोग यूजुअली जब वेदर ख़राब होता है तो बंद कर देते हैं बिकॉज इट्स अ बिट स्लिपरी एंड ये थोड़े से लग सकते हैं. ऑल्सो इफ यू लुक एट द बैक नाउ तो आपको यहाँ से यॉर्क मिंस्टर का व्यू मिलेगा दूर में. वी विल बी गोइंग देयर. जो कि इधर से वॉल पे से देख रहे है ये वॉल यहीं तक ही है. और फिर चले वापस. अभी हमने ये वॉल वाला टूर कर लिया. हम थोड़ा सा घूमा है इस पे बेसिकली. यस नाउ वी आर हेडेड टू द सिटी सेंटर. हम सेंटर में जाते हैं ये ऑफ मिनिस्टर की तरफ. यस कैफे है. कैफे बार है. अलो रिवर साइड पे ये अच्छा लग रहा है. मतलब ऐसे ना जगह अभी हम इस ब्रिज के ऊपर हैं. ये दूसरा कैफे है. कैफे उसी ने बनाया जिसने लंदन ब्रिज और सॉरी वेस्टमिंस्टर ब्रिज पोजीशन. Thank you.
उड़ाने वाला इस ब्रिज के अक्रॉस काफी सारे मतलब कैफे हैं। ये भी एक और कैफे है। ऐसे ब्लू एंड ब्राउनी ये बहुत फेमस लग रहा है क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ी लाइन लगी हुई है। पीछे में भी लाइन लगी हुई है। हाँ, हम पहुँच गए हैं ऑलमोस्ट योग के पास। वो सामने वाली बिल्डिंग है, वो है चर्च है बेसिकली। यहाँ पर एक ट्रेन है वो म्यूजियम से चलती है और ये उसका स्टॉप है। एक स्टॉप में फाइनल यहीं पे आकर रुकते हैं। तो ये अभी हम पहुंच गए हैं बिल्कुल अच्छे से कैफे हैं, बहुत सारे कैफे हैं यहाँ पे। वैसे आ भी नहीं रहा, पूरा फ्रेम बड़ा सारा है। Welcome to the Dean's Park. एग्जिटर जो थे जो यॉर्क के नेटिव थे उन्होंने फर्स्ट वर्जन ऑफ इंग्लिश ट्रांसलेटेड बाइबल 1565 में बनाई थी, ट्रांसलेट करी थी एंड रिवाइज ग्रेट बाइबल ऑफ 1559 भी उनकी साइड से ट्रांसलेट हुई थी। उनका काफ़ी वर्क इस बिल्डिंग में स्टोर्ड है एंड काफ़ी रेनाउंड पे करते हैं लाइब्रेरी में ना। इंग्लिश रिफॉर्मेशन में काफ़ी उनका बड़ा पार्ट था। चलो यहाँ पे फोटो गिराते हैं योग के साथ। कितने क्यूट क्यूट आइटम्स है। चलो अब इस मार्केट में चलते हैं। रखी है एक फ्लेवर होता है, एक स्ट्रॉबेरी वाला है।
ये शॉप है टी वाले। मेरे भी गुड वर्क है, ये सारा ही क्रिसमस ट्री बैंक देखा है आपको। और नीचे भी बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा सा है, काफ़ी अच्छा है। मैंने लिए है यहाँ से एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर, मेरे को बहुत सुंदर लगा, एक पेंडेंट दिखाती हूँ मैं, बहुत ही सुंदर लगा मुझे तो। बहुत ही प्यारी प्यारी शॉप्स हैं सारी की सारी, बहुत ही सुंदर सुंदर अच्छे से फ्लावर्स है डेकोरेटेड। ज्वेलरी शॉप्स भी बहुत सारी हैं, और क्रिसमस शॉप पे तो हम गए थे, बहुत सुंदर थी, सबसे सुंदर क्रिसमस शॉप वाली स्ट्रीट से हम आए हैं और यहाँ पहुँच गए हैं अभी इस स्क्वायर पे। फेमस है यहाँ के, ये मुझे पता था अभी इसके बाहर देखो इतनी बड़ी क्यू लगी है, बहुत यहाँ की बहुत